इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर के 5 टिप्स के बारे में। तो गाइस, आप भी यूज करते हो पीसी या लैपटॉप, लेकिन गाइस आपको जो कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट है और आपको जो कंप्यूटर को पढ़ाई कर रहे हो और कोर्स कर रहे हो, तो गाइस आपको इस 5 टिप्स कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको जो इस टिप्स है 5, वही आप कंप्यूटर में जो यूज करते हैं और जो फॉलो करते हैं तो आपको काम भी आएगा और आपको समय भी बचेगा। तो गाइस कौन सा 5 टिप्स है तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इस वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा जो फर्स्ट टिप से वही हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिंग शटडाउन। तो गाइस आप कई जगह पे जो कंप्यूटर यूज करते हो ऑफिस या घर पे, लेकिन उसमें कई सारे हमारे जो कंप्यूटर में डेटा डाउनलोड हो रहा है, लेकिन आपको अचानक से जो बाहर जाते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वही आपको कंप्यूटर ऑन रह जाता है। तो आपको कंप्यूटर को ऑटोमेटिंग शटडाउन सेटअप कैसे कर सकते हो, तो इस टिप्स में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको टाइम सेट करके आपका कंप्यूटर है वही आपको ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा। तो गाइस आपको कैसे करना है तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको डेस्कटॉप पे आके राइट साइड क्लिक करना है, और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको जाना है न्यू पे, और आपको शॉर्टकट पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको शॉर्टकट आ गया है तो उसमें आपको टाइप करना है शटडाउन। तो चलिए मैं टाइप कर देता हूँ शटडाउन। तो आपको इस तरह से टाइप कर देना है, और टाइप करने के बाद आपको स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद आपको माइनस करना है और आपको एस टाइप करना है। तो गाइस मैंने एस टाइप कर दिया है, और एस टाइप करने के बाद आपको फिर से स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद आपको माइनस करना है, और माइनस करने के बाद आपको टी टाइप करना है। तो चलिए मैं टी टाइप कर देता हूँ, और टी टाइप करने के बाद आपको स्पेस देना है, और आपको जितना मिनट या जितना वर्ष आपको रखना है उस हिसाब से आपको उसमें सेकंड टाइप कर सकते हो। मान लीजिए आपको एक वर्ष का आपको सेकंड टाइप करना है, गाइस मैंने 3600 टाइप कर दिया है। तो हमारा जो 60 मिनट है तो हमारा 60 मिनट में हमारा ऑटोमेटिक कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। तो गाइस आपको इस तरह जितना वर्ष या जितना मिनट में आपको कंप्यूटर शटडाउन ऑटोमेटिक करना है तो इस तरह आपको सेकंड टाइप कर सकते हो। तो गाइस मैंने 3600 सेकंड टाइप कर दिया है, और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और उसमें आपको नाम टाइप करना है तो नाम टाइप कर सकते हो। तो गाइस मैंने शटडाउन 1 लिख देता हूँ, और मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस हमारा जो 60 मिनट में कंप्यूटर है वही हमारा ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा। तो इस तरह आपको टाइम सेट कर सकते हो। गाइस हमारा जो फोल्डर बन के आ गया है तो उसको आपको आइकॉन चेंज करना है, तो राइट साइड क्लिक करना है और आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको चेंज आइकन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं चेंज आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको क्लिक करके ओके करना है, और आपको जिस आइकन रखना है उसमें क्लिक करके ओके कर देना है। तो गाइस हमारा जो फोल्डर का आइकन है वही हमारा आइकॉन चेंज हो गया है, तो आप देख लीजिए। तो चलिए मैं इस फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद हमारा 60 मिनट है उसमें हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा। तो गाइस आप नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन पे आ गए, उसमें लिख रहा है कि 60 मिनट में आपका कंप्यूटर वही ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा। तो इस तरह आपको ऑफिस या जो घर पे आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें आपको टाइम सेट कर सकते हो, और आपका कंप्यूटर वही ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा। लेकिन ऑफ करना है तो आपको रन पे क्लिक करना है, और आपको टाइप करना है शटडाउन, और स्पेस देना है, और आपको माइनस करके ए टाइप करना है, और ओके पे क्लिक कर देना है। तो गाइस हमारा जो शटडाउन हमने जो सेट किया था वही हमारा कैंसिल हो गया है, तो आप देख लीजिए कि हमारा कैंसिल भी हो गया है। तो इस तरह आपको जितना मिनट या आपको जितना वर्ष को सेट करना है कंप्यूटर में तो इस तरह सेट भी कर सकते हो। ऑन करना है तो फिर से आपको इस फोल्डर पे शॉर्टकट आपने बनाया है उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस हमारा स्टार्ट हो गया है, तो आप देख लीजिए कि 60 मिनट में हमारा कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। ऑफ करना है तो आपको रन पे क्लिक करना है, और रन पे क्लिक करने के बाद आपको शटडाउन टाइप करना है, और स्पेस देने के बाद आपको ए टाइप करना है। तो चलिए मैंने आपको बता देता हूँ माइनस करके ए करना है। तो आप देख लीजिए कि हमारा ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह आपको कंप्यूटर में ऑटोमेटिक आपको कंप्यूटर शटडाउन करना है। तो इस तरह उसमें आपको टाइम सेट करके आपका जो कंप्यूटर है वही आपको कंप्यूटर ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा। तो गाइस आपको इस टिप्स को कैसे लगे, अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए मैं दूसरी टिप्स आपको बता देता हूँ।
तो गाइस हमारा दूसरा टिप से सॉफ्टवेयर के बारे में। तो गाइस आप जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले जाते हैं स्टार्ट में, और स्टार्ट में जाने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, तभी आपको सॉफ्टवेयर को ओपन कर देते हैं। तो चलिए मैं शॉर्टकट की से आपको बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको जो स्टार्ट में जाते हैं और ऑल प्रोग्राम में जाके सॉफ्टवेयर को ओपन कर देते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट की से कैसे ओपन करना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको जो शॉर्टकट की से एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आपको जिस सॉफ्टवेयर में आपको ओपन करना है उसमें आपको राइट साइड क्लिक कर देना है। तो आप देख लीजिएगा इस ब्राउजर है, लेकिन इस ब्राउजर को मैं शॉर्टकट की से ओपन करना चाहता हूँ तो मैं राइट साइड क्लिक कर देता हूँ। और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको शॉर्टकट की देखने को मिल जाएंगे, उसमें आपको शॉर्टकट की टाइप कर सकते हो। तो आपको कीबोर्ड से टाइप करना है, मान लीजिए आपको कंट्रोल अल्ट जे रखना है तो आपको एक ही आपको टाइप करना है। तो गाइस मैं टाइप कर रहा हूँ एफ, तो आप देख लीजिए कि मैंने कंट्रोल अल्ट एफ टाइप कर दिया है, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो चलिए मैं शॉर्टकट की को यूज कर देता हूँ, कंट्रोल अल्टर एफ कर देता हूँ तो हमारा ब्राउजर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं कंट्रोल अल्टर कीबोर्ड से एफ करता हूँ तो हमारा जो ब्राउजर है वही हमारा ब्राउजर ऑटोमेटिक ओपन हो गया। तो आप देख लीजिए कि बिना माउस की टच किए आपको शॉर्टकट की से प्रोग्राम ओपन कर सकते हो। तो आप देख लीजिए कि हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, इस तरह शॉर्टकट की से प्रोग्राम ओपन कर सकते हो। तो गाइस आपको इस टिप्स को कैसे लगे, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मैं तीसरी टिप्स आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा जो तीसरा टिप्स है वही हमारा कंप्यूटर के ऑल सेटिंग के बारे में। तो गाइस आप जो कंप्यूटर में कई सारे जो सेटिंग आता है, लेकिन आपको जो सेटिंग करना है तो गाइस आप क्या करते हो को सबसे पहले आपको स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल पैनल में जाते हैं, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप देख लीजिए कि उसमें सभी सेटिंग आ गए, यूजर अकाउंट है, साउंड है, फोल्डर ऑप्शन है, डिवाइस मैनेजर है। लेकिन आपको जो बार बार सेटिंग करना पड़ता है तो आपको बार बार आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता है, लेकिन सभी लिस्ट है वही जो सभी सेटिंग है वही हमें एक लिस्ट में कैसे देख सकते हैं वो भी डेस्कटॉप में। तो गाइस उसको कहते हैं गोड मोड। तो गोड मोड आपको कैसे बनाना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कंट्रोल पैनल में आने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सभी लिस्ट में आपको सेटिंग देख सकते हो। तो गाइस आपको आ जाना है डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में आने के बाद आपको न्यू पे जाना है। गाइस आपको गोड मोड बनाना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। तो आपको डेस्कटॉप में आने के बाद आपको राइट साइड क्लिक करना है, और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे जाना है, और न्यू पे जाने के बाद आपको फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद गाइस आप जो डिस्प्ले पे आपको जो कोड शो हो रहा है वही आपको कोड टाइप करना है, और आपको डिस्क्रिप्शन में कोड मिल जाएंगे तो आपको इस कोड को आपको पेस्ट करना है और आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो चलिए मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, और एंटर प्रेस करने के बाद आप देख लीजिए कि हमारा कंट्रोल पैनल जैसा हमारा एक फोल्डर बन जाएगा। तो आप देख लीजिए कि हमारा गोड मोड का एक जो फोल्डर है वही हमारा बन गया है, तो उसको गाइस कहते हैं गोड मोड। तो चलिए मैं उसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद आप देख लीजिए कि गाइस हमारा जो सभी सेटिंग है वही हमारा सेटिंग आ गए। तो आप देख लीजिए कि हमारा जो जितना कंट्रोल पैनल में सेटिंग था, जो हमारा काम का था, वही हमारा सभी सेटिंग आ गया है। तो इस तरह आपको गोड मोड को ओपन कर सकते हो, और आपको जो कंट्रोल पैनल है तो इस कंट्रोल पैनल में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वही आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप में गोड मोड जो फोल्डर है उसको ओपन करके आपको सेटिंग कर सकते हो। तो गाइस आप देख लीजिए कि आपको 100 से ज्यादा भी सेटिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। कई सारे जो सेटिंग है वही आपकी जो कंप्यूटर के काम की सेटिंग है वही आपको डायरेक्ट उसमें कर सकते हो। तो आप देख लीजिए कि उसको कहते हैं गोड मोड। तो आपको इस तरह डेस्कटॉप में शॉर्टकट की से बनाना है तो इस तरह आपको कोड टाइप करके बना सकते हो। तो गाइस आपको इस टिप्स को कैसे लगी, इस टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अभी नहीं किया है तो लाइक कर देना है। तो चलिए मैं चौथी टिप्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा जो फोन नंबर का टिप्स है वही हमारा फोल्डर के बारे में। तो गाइस आप जो पीसी यूज करते हो या लैपटॉप, लेकिन उसमें जो न्यू फोल्डर बनाना चाहते हो, तो गाइस आप क्या करते हैं
तो सबसे पहले गाइस आपको जो राइट साइड क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर बना देते हैं। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आप फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप में गाइस आपको न्यू में जाते हैं, राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो आपका जो डेस्कटॉप में फोल्डर बन जाता है। तो आप देख लीजिए कि मेरा फोल्डर बन गया है। तो चलिए इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको शॉर्टकट की से बता देता हूँ कि आपको शॉर्टकट की से फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हो और आपको माउस से टच करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस आपको शॉर्टकट की से फोल्डर को क्रिएट करना है कीबोर्ड से, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट को एन प्रेस करना है तो आपका डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए मैं प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए कि मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट को एन प्रेस किया तो हमारा डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर बन गया है। तो इस तरह आपको शॉर्टकट की से फोल्डर बना सकते हो। तो चलिए मैं दूसरा फोल्डर क्रिएट करके आपको बता देता हूँ। तो गाइस फिर से आपको कंट्रोल शिफ्ट को एन प्रेस करना है तो हमारा न्यू फोल्डर बन गया है। तो इस तरह आपको शॉर्टकट की से फोल्डर को बनाना है तो आपको आसान तरीके शॉर्टकट की से फोल्डर आप बना सकते हो। तो गाइस आपको इस टिप्स को कैसे लगी तो मुझे गाइस कमेंट में आपको बता देना है। तो चले मैं 5 टिप्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा जो 5 नंबर का टिप्स है वही हमारा कंप्यूटर के पासवर्ड के बारे में। तो गाइस हमने जो कंप्यूटर में जो पासवर्ड सेट किया है तो गाइस आप जो चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको जाता है स्टार्ट पे, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाता है कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको जाते हैं यूजर अकाउंट पे, और यूजर अकाउंट पे जाने के बाद आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते है, और क्लिक करने के बाद आपको दो बार जो पासवर्ड आपने जो रखा है वही आपको टाइप करते है, और टाइप करने के बाद आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते है तभी आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है। तो चलिए मैं शॉर्टकट की से आपको बता देता हूँ कि आपको बिना पासवर्ड डाले आपको डायरेक्ट न्यू पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आपको रन पे जाना है, और रन पे जाने के बाद आपको CMD टाइप करना है। तो गाइस मैंने CMD को टाइप कर दिया है, और टाइप करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने CMD टाइप कर दिया और मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद हमारा जो कंप्यूटर है वही उसमें हमारा CMD ओपन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि हमारा ओपन हो गया है, और ओपन होने के बाद गाइस आपको एक कोड डालना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको कीबोर्ड से टाइप करना है LUS करना है। तो चलिए मैं LUS कर देता हूँ टाइप, और टाइप करने के बाद आपको RMGR टाइप करना है। तो गाइस मैं लिख देता हूँ LUSRMGR, तो आपको इस तरह LUSRMGR टाइप करना है और आपको एंटर प्रेस कर देना है। चलिए मैंने टाइप कर दिया और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, और एंटर प्रेस करने के बाद गाइस आपको इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि हमारा ओपन हो गया है, और ओपन होने के बाद आपको यूजर पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यूजर पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको उसमें इस तरह देखने को मिल जाएंगे एडमिन, जो अपना एडमिन का नाम है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आपको राइट साइड क्लिक करना है, और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, और आपका जो कंप्यूटर में आपने जो पासवर्ड सेट किया है उसको आपको कोई डालने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो चलिए मैं न्यू पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो गाइस आप देख लीजिए कि न्यू पासवर्ड आ गए, तो आपको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों में टाइप कर देना है। तो चलिए मैं टाइप कर देता हूँ। तो गाइस जो मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ वही मैं न्यू पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर में जो पासवर्ड हमने सेट किया है वही हमारा ऑटोमेटिक उसमें रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आपको कंट्रोल पैनल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस जगह से आपको न्यू पासवर्ड को क्रिएट करना है तो आपको डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस मैंने न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों में पासवर्ड न्यू पासवर्ड मैंने टाइप कर देता हूँ, और टाइप करने के बाद चल मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको इस तरह न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हो, और आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। तो चलिए मैं ओके कर देता हूँ, और आपको क्लोज कर देना है। तो गाइस आपका जो कंप्यूटर में जो हमारा कंप्यूटर में पासवर्ड था वही हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है। तो इस तरह आपको बिना पासवर्ड डाले आपको न्यू पासवर्ड को चेंज करना है तो आपको इस तरह पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में जो मैंने सभी आपको 5 टिप्स आपको कंप्यूटर के बारे में बताया है, जो गाइस आपको जिस टिप्स आपको अच्छी लगी वही गाइस मुझे कमेंट में आपको बता देना है। और गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा
तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।